सेना की चालबाजी, शेख हसीना बांग्लादेश से आउट, बांग्लादेश में एक्शन में आर्मी, बांग्लादेश में तख्ता पलट, बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना के अल्टीमेटम के बाद पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना भारत के लिए रवाना हो गई है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना के साथ उनकी बहन भी है। इस बीच राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की है और उन्होंने बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल लेगी। बांग्लादेश आर्मी चीफ वाकर उस जमान ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी हालातों को ठीक करने के लिए सेना का सहयोग करें। प्रदर्शनकारियों की मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन इस हिंसा से देश को नुकसान हो रहा है। उन्होंने अपील की कि लोग कानून को अपने हाथ में ना लें, हम शांति व्यवस्था बहाल करेंगे, सेना पर भरोसा रखें। तो वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश के हालात ठीक वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसा कुछ समय पहले पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान की ही तरह अंदरूनी कलह से जूझ रहे बांग्लादेश में लॉन्ग मार्च का आह्वान किया। इसे आप सेना की चालबाजी कहें या मास्टर प्लानिंग, इन सवालों के जवाब आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो वहीं AFP के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए बांग्लादेश की सेना ने 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। इस बीच उनके आवास में सैकड़ों प्रदर्शनकारी घुस गए। तो वही बता दें कि प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच भड़की हिंसा में अब तक 14 पुलिसकर्मियों समेत करीब 300 लोगों की जान चली गई है। हिंसा में हजारों लोग घायल हुए हैं। तो वही बता दें कि बांग्लादेश की इस घटना के बाद से भारत में भी अलर्ट है। BSF ने भारत बांग्लादेश सीमा के करीबन 4000 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा है। BSF के DG भी जायजा लेने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं। शेख हसीना का जो विमान है AGA X-1431 से आ रही है। तो वही बता दें कि खबर ये भी आ रही है कि शेख हसीना अपने विमान से दिल्ली आ सकती हैं और दिल्ली आने के बाद वो लंदन के लिए चली जाएंगी।